इस घराने की बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता आया हूँ। मुझे कैलाश खेर बहुत पसंद थे क्लासिकल में, तो मैं उनकी गायकी सुनता था और जैसे जैसे वो मॉडिफाई करते थे अपने वर्ड्स को, मैं उसको फॉलो करता था। मतलब ये सब चीज़ें मुझे इंस्पायर्ड करती हैं, ये सब चीज़ों से मैं सीखता हूँ। कोई गुरु तो आपका होगा क्लासिकल? मेरा कोई पर्सनल गुरु तो नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज से सीखता हूँ। कॉलेज में बेसिकली सिखाया जाता है, बेसिक जो लोग होते हैं, तो उनसे मैं सीखता आया था। फिर मैंने खुद के इम्प्रूवमेंट्स किए लोगों से मिल मिल के, जो मेरे से बड़े जो सीनियर्स हैं, यूट्यूब है, उनसे मैंने सीखा। जो बड़े बड़े मुझे आर्टिस्ट मिलते थे, सिंगर्स मिलते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, उनसे मैं टिप्स लेता हूँ। मैं फिर घर पे रियाज करता हूँ। ऐसे करते 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 मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा, आपका जो स्कोर है, हाँ, काली कितना नंबर है? अगर मेरा स्वर, हाँ, काली बोलते हैं ना, हाँ, 3, 4, 5, 7 जो सिंगर है, हाँ, हमारे पुराने या आज भी है, जैसे कुमार शानू, तो उदित नारायण, मैं अगर उनसे कंपैरिजन करूँ तो उनके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी का सबसे ज़्यादा, मेरे स्टूडियो में भी उनके फ़ोटोज़ लगे हैं, मैं उन सबसे ज़्यादा उनका फ़ैन हूँ, उनके गाने फॉलो करता हूँ हमेशा से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा वो गाते थे, मैं उनका 10% भी अगर पहुँच जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं अगर 10 साल भी गायकी करूँगा, 10 साल भी सिंगर में बनूंगा, 20 साल भी सिंगिंग करूँगा, तो मेरा मोटिव है, मैं सीखूँगा। मैं हर स्टेप पे बस सीखता आया हूँ और सीखता रहूँगा। नहीं, वो तो कॉपीराइट हुआ, लेकिन एक अपना सिंगर का स्वर होता है, काली का या सफ़ेद का, आप ये जो बजाएंगे तो काली पे आपका सुर कौन सा बैठता है या वाइट पे कौन सा बैठता है? अच्छा, काली और वाइट, ये आप माइनर और मेजर की बात कर रहे हैं, वो आपकी लैंग्वेज। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा। नहीं, मैं विशारद किया हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री में शंकर जय किशन से लेके अमी मलिक तक मुझे डायरेक्टर नॉक हो जाता है। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, नाइस टू मीट यू, और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे जो काली और सफ़ेद ये वर्ड समझ में नहीं आते, क्योंकि आजकल की यूथ थोड़ा अलग चल रही है। तो मैं माइनर और मेजर दोनों में कंफर्टेबल हूँ, मैं दोनों में ही गाने बनाता हूँ। जो लेकिन मोस्टली जो सैड और रोमांटिक गाने बनते हैं वो माइनर में बनते हैं, मैं वो ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर। क्या चलो मोस्टली